हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजरी मॉम्स किचन। आज मैं एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो लेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो बन लिए हुए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मुझे कुछ वेजिटेबल्स लेने हैं, जो कि मैंने इनको छोटे छोटे पीसेज में काट रखे हैं। ये कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, अनियन है, टोमेटो एंड चिली, इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेने हैं। और यहाँ पर मैंने चीज़ लिया हुआ है ग्रेटेड, इस तरह से आपको वेट कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बन है, इसका जो ऊपर का लेयर है इसको मुझे कट करना है। इस तरह से ये मुझे इस तरह से इसका जो ऊपर का लेयर है ये मुझे इस तरह से कट कर देना है। और जो ये इनर पार्ट है इसको मुझे धीरे धीरे इसको रिमूव कर देना, जैसे बॉल नहीं होती उस तरह से मुझे इसको बनाना है। ये देखिए, और इसको मुझे ये जो इसका इनर पार्ट मैं रिमूव कर रही हूँ इसको फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज मिलाएंगे, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी हमें। इस तरह से मुझे इस तरह बाउल बना लेना है। ये देखिए, इसी तरह मुझे इसको भी इसी तरह प्रिपेयर करना है। तब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं अपना पैन चढ़ा देती हूँ, घी को गर्म कर देती हूँ। और ये जो बन है इसमें हम आप इसमें घी या बटर जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप बटर से बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास घी बटर कुछ भी नहीं है तो आप ऑयल से ही बना सकते हैं। चलिए इस तरह से हम रेडी कर लेते हैं, दूसरा भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अभी मैं इसमें अपनी वेजिटेबल भी सॉटे करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर अनियन, सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुझे इसको कुक नहीं करना, हल्का सा क्रंची रखना है। ये टोमेटो, अपना जो है कैप्सिकम, लास्ट में जाएगा कुकुम्बर। हमारा जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, करीब हाफ स्पून के करीब हाफ इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। सॉस जाएगा 1 स्पून। हाफ स्पून के करीब जाएगा हमारा व्हाइट सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं सबको अच्छे से मिक्स करती हूँ जिससे मेरा एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। सभी बहुत थोड़ा सा मुझे डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप नहीं पसंद करते बच्चे आपके तो इसको स्किप भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें फ्लेवर में आपके कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, वेजिटेबल मेरी हल्का सा क्रंच हो चुकी है, मैं इनको इस बाउल में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैंने ये मेरे बन थे इनको बहुत हल्के हल्के से इसमें घी में ऐसे सेक लेना है, इनको हल्के से नीचे से। चलिए
जब तक ये मेरे सिक रहे हैं मैं इसमें अपना थोड़ा सा चीज इसमें मिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं अभी मिलाना है। और ये मेरा हर्ब्स है, ये जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएगा, इनको सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। जो मेरा इनर पार्ट था उसको भी इसी में हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, बन हमारे सेक चुके हैं, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मेरी वेजिटेबल है इसमें इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे चीज इसमें फिल करूंगी, इसको ऐसे फैला फैला कर इसमें चीज फिल करना है। ये देखिए, और हमारे जो वेज मैंने रेडी किए हैं इनको भी इसमें फिल कर देंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इनमें फिल किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी रेडी होता है। आपको ऑफिस जाना है, बच्चों को टिफिन में देना है, या कुछ जल्दी से कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप इसको फटाफट इसको रेडी कर सकते हैं। और ऊपर से हमारा फिर से जाएगा ये सारा चीज, पूरा इसको अच्छे से ऊपर तक फिल कर देना है। इसी तरह हम अपना दूसरा भी रेडी कर लेंगे। और ये जो ऊपर है इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने इस तरह से इनको रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है, आप चाहें तो इनको डायरेक्ट इसी तरह से रख करके और इसमें इसको लिड लगा करके बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो ये ऊपर का लेयर है ये हार्ड हो जाए, जो कि खाने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ ग्लास के करीब आप पानी डालेंगे इसमें। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हाफ से कम भी डाल सकते हैं, बट हाफ से ज्यादा नहीं डालना है। और इस तरह का आपके पास स्टैंड है तो वो रख सकते हैं, वरना एक छोटी सी चपटी हुई बाउल आपके पास हो उस टाइप से वो रख सकते हैं। गैस को ऑन कर देंगे और हमारी ये प्लेट है, इसको इसमें इस तरह से धीरे से रखना है आपको, छोटी हो तो छोटी भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने रख दिया और गैस की फ्लेम को मैं मीडियम रखूंगी और इसको इस तरह से कवर कर देना है। और इनको करीब 5-7 मिनट तक कुक होने देते हैं, जब तक कि हमारे ये चीज जो है मेल्ट नहीं हो जाता है। करीब 6 मिनट हो चुके हैं, हम अपने जो बर्गर मैंने रेडी किए हैं चीज बर्स्ट उनको चेक करते हैं। डिलीशियस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितना अच्छा मेल्ट हुआ है इसमें चीज। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम धीरे से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सर्व करके इनको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए, अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा
कमेंट करिए और अपने आइकन बटन को क्लिक करिए। देख सकते हैं आप, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया। बच्चों को ये बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। आप फटाफट इनको रेडी करिए, बच्चों को ब्रेकफास्ट में कभी कभी दे सकते हैं आप ये, और बड़े भी खा सकते हैं जब ऑफिस जाना हो। थैंक यू।